नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बांदा में देर रात सवारियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने से आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। वहीं जैसे ही घटना की जानकारी संबंधित थाने को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने सभी की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने देखते ही एक को मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला बांदा जनपद के कमासिन थाना क्षेत्र का बतलाया जा रहा है। बिंदा, क्या हुआ ये घटना? यार, ट्रैक्टर आवा है चित्रकूट से कन्याकुमारी में, या ठाड़ के दी सोझा नगर में, यही मना की ने दारू पी के हुआ से चला, यही तक आबो भम खया धीरे चली पछा वहां का एठे गाड़ी में एक्सीडेंट कर दी मार दी पैसा दहीने का इतना ट्राली पलट गए। ट्राली में ये घटना हमारे सामने आके तैयार हुई। कितने लोग थे ट्रैक्टर में? ट्रैक्टर में रहा है क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह यादव। क्या घटना हुई? एक ट्रक ने टक्कर मारी है ट्रैक्टर पे, ट्राली पूरी पलट गई है, उसमें चार पांच लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, इसमें एक महिला ख़त्म भी हो चुकी है और मतलब छह लोग घायल हैं, एक ख़त्म है। कहाँ की घटना है ये? मुशीमा और पछावा के बीच में हुई है। थाना कौन सा है? थाना कमाशी। कहाँ से जा रहे थे ये लोग? चित्रकूट से आए थे और बीरा जा रहे थे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक एक्सीडेंट आया, क्या मामला है, कितने लोग घायल हैं? अभी 11 बजे के आसपास एक सवारी एम्बुलेंस के बाद सात मरीजों के लिए आया गया है, जिसमें से एक महिला जिसका नाम शुभावती वाइफ ऑफ विनोद कुमार यादव, उम्र करीब 23 वर्ष है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके शव पोस्टमार्टम हुई है तो मछली में रखवा दिया गया है। इसके अतिरिक्त दो मरीज जिनका नाम चुनी है, उम्र करीब 60 वर्ष, और अभिलाष जिनकी उम्र करीब 18 वर्ष है, उनकी स्थिति गंभीर है, उनका इलाज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राधा छतिया और श्रीमती कमला और श्री राम आधार एवं लद्दू साधन, इनको साधारण किसी चोटी आई है। लगभग कितने लोग घायल आए हैं? और बस फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।